नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप 15 बड़ी खबरों को जानेंगे, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि आरजेडी के श्याम रजक ने दावा किया कि नीतीश के 17 एमएलए उनके संपर्क में है। फिर बिहार में 31 जनवरी तक लागू की गई नई गाइडलाइन के बारे में जानेंगे। पटना में भी आप देख सकेंगे देशी विदेशी परिंदे को। कृषि कानून को लेकर अपडेट के बारे में, बिहार में कोरोना वैक्सीन के बारे में, साथ ही बिहार में नई बहाली को लेकर, राज्य में इनकम टैक्स रिटर्न भरने को डेट को लेकर, प्रारंभिक शिक्षण के नियोजन को लेकर, बिहार में कोरोना के नए स्ट्रेन के बारे में, साथ ही जानेंगे कि बिहार में अब मोबाइल की तरह प्रीपेड रिचार्ज होगा, वाहन प्रदूषण जांच केंद्र, बिहार में 599 इंटर कॉलेज को अनुदान पर लगी सरकार की मुहर, पटना नगर निगम अब कचरा उठाने के लिए ज्यादा पैसा वसूलेगा, और फिर अंत में सुशांत सिंह राजपूत केस के बारे में एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में जानेंगे। तो इसी के साथ ही फटाफट आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। और हमेशा की तरह वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जिसमें से किसी एक को बिहारी मीडिया की ओर से एक लकी प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। साथ ही आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। आज की सबसे पहली खबर, आरजेडी नेता श्याम रजक का दावा, कभी भी टूट सकता है जदयू, नीतीश के 17 विधायक हमारे संपर्क में। जी हां, अरुणाचल प्रदेश की घटना के बाद विपक्ष की नजर भाजपा जदयू के रिश्ते पर है। राजद ने बुधवार को दूसरा दाव चल दिया है। राजद के वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने दावा किया है कि सत्ता पक्ष के 17 विधायक हमारे संपर्क में है। वे यही चाहते हैं कि उन्हें राजद अपना ले। इससे पहले राजद ने नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का न्योता दिया था। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने कहा था कि नीतीश अगर तेजस्वी को समर्थन देकर मुख्यमंत्री बना दे तो विपक्ष उन्हें 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन दे सकती है। राजद यह भी कहते हैं कि दल बदल कानून के तहत 17 विधायक को अभी राजद में नहीं लिया जा सकता है। जदयू को तोड़ने के लिए 25 से 26 विधायक होने चाहिए। दूसरी ओर नीतीश कुमार ने जेडीयू में टूट से किया इनकार, बोले दावे में कोई दम नहीं, सब बेबुनियाद है। जी हां, आरजेडी ने जेडीयू के 17 विधायक टूटने और आरजेडी के संपर्क में होने का दावा किया है। इस पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सब बेबुनियाद है। जेडीयू के 17 विधायक के आरजेडी के संपर्क में होने को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने एएनआई को कहा कि कोई भी अगर किसी प्रकार का दावा कर रहा है सब बेबुनियाद है, उसमें कोई दम नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, इस तरह के बयानों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि आरजेडी सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो जेडीयू के अंदर बड़े फेरबदल की तैयारी, कई नेताओं के खिलाफ कार्रवाई, राज्य कार्यकारिणी में नीतीश ले सकते हैं बड़ा फैसला। जी हां, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बड़ा फेरबदल कर सबको चौंकाने वाले नीतीश कुमार राज्य कार्यकारिणी की बैठक में कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। इसके साफ संकेत मिल रहे हैं। 10 जनवरी को राज्य कार्यकारिणी की अहम बैठक होने वाले हैं। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह शामिल हो सकते हैं। जदयू के राज्य कार्यकारिणी में लगभग 300 सदस्य हैं। पार्टी सूत्रों के माने तो राज्य कार्यकारिणी में बदलाव भी किए जा सकते हैं। जेडीयू के अंदरूनी सूत्रों की माने तो जिन लोगों की भूमिका पार्टी के खिलाफ हो रही है वैसे लोगों पर कार्रवाई हो सकती है। भीतरघात करने वाले पार्टी नेताओं की पहचान कर उन पर कार्रवाई हो सकती है। अगली बड़ी खबर, नीतीश के लिए बेटर ने उतरे मांझी, बीजेपी को धमकाया, अरुणाचल रिपीट हुआ तो बुरा होगा। जी हां, अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड के विधायकों के पाला बदल में बिहार की सियासत गर्म रखी है। नीतीश के विधायक बीजेपी के साथ क्या गए बिहार में एनडीए के अंदर खींचतान शुरू हो गई है। जेडीयू में खुले तौर पर बीजेपी नेतृत्व से अपनी नाराजगी जताई तो अब नीतीश के लिए बैटिंग करने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी मैदान में उतर गए हैं। कोरोना संक्रमित मांझी ने अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर बीजेपी को चेतावनी दे डाली है। नीतीश राम मांझी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ वह स्वच्छ राजनीति का तकाजा नहीं है। बीजेपी के नेतृत्व से अनुरोध है कि ऐसी गलती दोबारा ना हो पाए, इसका ख्याल रखें। बिहार में अब मोबाइल की तरह प्रीपेड रिचार्ज होगा, वाहन प्रदूषण जांच केंद्र, लोगों को मिलेगी राहत। जी हां, राज्य भर में 1 जनवरी से अब मोबाइल की तरह वाहन प्रदूषण जांच केंद्रों को भी प्रीपेड रिचार्ज किया जा सकेगा। परिवहन विभाग ने एनआईसी की मदद से प्रीपेड मॉड्यूल विकसित किया है। इसके तहत कोई भी लाइसेंस धारी वाहन प्रदूषण जांच केंद्र संचालक एडवांस में रिचार्ज कराकर ऑनलाइन वाहन प्रदूषण जांच सर्टिफिकेट जारी कर सकते हैं। जांच के बाद सर्टिफिकेट जारी करते
होते ही केंद्र संचालक के खाते से सरकारी राजस्व को पैसा कट जाएगा और सीधे सरकार के खाते में चल जाएगा। सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि 1 जनवरी से राज्य में संचालित एवं नए खुलने वाले वाहन प्रदूषण जाँच केंद्र प्रीपेड मॉड्यूल पर ही काम करेगा। बिहार में भी 31 जनवरी तक बढ़ाई गई कोरोना को लेकर गाइडलाइन, कायम रहेगी सभी पाबंदियां। जी हां, कोरोना को लेकर केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन राज्य में भी 31 जनवरी 2021 तक यथावत लागू रहेगी। मंगलवार को गृह विभाग द्वारा जारी आदेश को केंद्र सरकार ने 28 दिसंबर को केंद्र सरकार की ओर से पूर्व में 25 नवंबर के दिशा निर्देश को 31 जनवरी 2021 तक लागू रखने की एडवाइजरी राज्यों को जारी की गई है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने मुख्य सचिव दीपक कुमार को इसको लेकर पत्र भेजा है। इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि देश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या में 2-3 माह से गिरावट दर्ज की जा रही है, यह सकारात्मक सुझाव दिख रहा है। बावजूद इसके वैश्विक स्तर पर कोरोना के नए मामले के आने और उसके नए प्रकार के वायरस के आने से इस पर गहन सर्विलांस और सतर्कता बरतने की जरूरत है। बिहार में 599 इंटर कॉलेज को अनुदान पर लगी सरकार की मुहर। 5 साल से वेतन की आस देख रहे शिक्षकों को मिलेगा पैसा। जी हां, बिहार में 599 इंटर कॉलेज और 16 हाई स्कूल को अनुदान की मंजूरी नीतीश सरकार की ओर से मिल गई है। इसे लेकर शिक्षा विभाग की ओर से भी बुधवार को आदेश जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार के इस बड़े निर्णय के बाद 5 साल से वेतन की आस देख रहे शिक्षकों को सीधा लाभ होगा, उन्हें पैसे मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने संबद्धता प्राप्त राज्य के अनुदानित 599 इंटर स्तरीय प्लस टू कॉलेज और 16 हाई स्कूल को अगले 1 वर्ष के लिए विस्तारित करने पर सहमति दी गई है। पटना नगर निगम अब कचरा उठाने के लिए ज्यादा पैसा वसूलेगा, 50 रुपये से 5,000 तक होगा शुल्क। जी हां, पटना नगर निगम कचरा उठाने के लिए लोगों से ज्यादा शुल्क वसूलेगा। पटना नगर निगम ने अब आवासीय इलाके में क्षेत्रफल के मुताबिक शुल्क वसूलने की तैयारी की है। इसके साथ ही पटना नगर निगम प्रशासन ने बल्क वेस्ट जनरेटर रेगुलेशन 2020 के तहत ऐसे इकाइयां जहां से प्रतिदिन 20 किलोग्राम या उससे अधिक कूड़ा निकलता है उन्हें अपने स्तर से कचरा इस निस्तारण की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। नगर निगम के मुताबिक अब लोगों को कूड़ा उठाने के लिए 50 रुपये से 5,000 तक खर्च करने होंगे। आवासीय इलाके में क्षेत्रफल के मुताबिक कूड़ा उठाने के लिए पैसे देने होंगे। पहले ये लोगों को 30 रुपये देने पड़ते थे, अब 50 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले आवासीय इकाई से 50 रुपये का शुल्क वसूला जाएगा। 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए 100 रुपये, 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए 200 की दरें शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा गेस्ट हाउस या धर्मशाला से कचरा उठाने के लिए अब 500 की जगह 2,000, हॉस्टल से भी 2,000, 50 लोगों की बैठने की क्षमता वाले रेस्टोरेंट से भी 2,000, 50 लोगों से अधिक क्षमता वाले रेस्टोरेंट से 3,000, 3 स्टार होटल के 3,000 और 3 स्टार होटल से अधिक से 5,000 की वसूली की जाएगी। इसी तरह बैंक, कोचिंग और शिक्षक संस्थान से भी अब 500 की जगह 200, नॉन बायोमेडिकल वेस्ट के उठावों के लिए अब 2,000 का वसूली की जाएगी। सरकार ने 10 दिनों के लिए बढ़ाई ITR फाइलिंग की डेडलाइन, अब जनवरी में इस तारीख तक दाखिल कर सकेंगे रिटर्न। कोरोना वायरस के महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 10 दिनों तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से ट्वीट करके यह जानकारी दी गई है। अब वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ITR आगामी 10 जनवरी 2021 तक फाइल की जा सकती है। हालांकि सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 निर्धारित कर रखी थी। बिहार में स्वास्थ्य विभाग जल्द ही कॉन्ट्रैक्ट पर करेगा 865 ANM की तैनाती, प्रक्रिया जारी। जी हां, बिहार में स्वास्थ्य विभाग के तहत जल्द ही 865 ANM की संविदा पर तैनाती की जाएगी। कोरोना संकट के बीच पिछले 9 माह से नियोजन की प्रक्रिया जारी है। नए वर्ष में राज्य के अस्पतालों में सभी पदों पर ANM की तैनाती कर दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार इन पदों के लिए आवश्यक कंप्यूटर टेस्ट की परीक्षा ली जा चुकी है। इसमें सफल रहने वाले सभी अभ्यर्थियों को जल्द नियोजन पत्र सौंपा जाएगा। संविदा पर नियोजन होने के कारण ANM के पदों पर अभ्यर्थियों की तैनाती राज्य स्वास्थ्य
समिति के स्तर से की जा रही है। हालांकि नियमित नियुक्ति के लिए राज्य सरकार ने तकनीकी सेवा चयन आयोग का गठन किया है। सूत्रों के अनुसार सभी 865 पदों पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत ANM का नियोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि राज्य स्वास्थ्य समिति के अनुसार नियोजन होने वाले सभी ANM को 11,500 रुपए प्रति माह का भुगतान किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, दूसरे चरण के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए खुद करा सकेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जी हां, बिहार में पहले चरण में डॉक्टर पारा मेडिकल स्टाफ को कोरोना टीका लगाने की तैयारी पूरी करने के साथ ही अब दूसरे चरण में होने वाले टीकाकरण की तैयारी स्वास्थ्य विभाग स्तर से शुरू हो चुकी है। इसके तहत राज्य स्वास्थ्य समिति ने दूसरा वेब पोर्टल तैयार करने की जिम्मेदारी सूबे के सिस्टम एनालिस्ट सह डाटा पदाधिकारी को सौंपी है। वेब पोर्टल तैयार होते ही दूसरे चरण के तहत जिन लोगों को टीका लगाना है वे खुद ही राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा बनाए गए वेब पोर्टल पर टीकाकरण कराने के लिए अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। केंद्र सरकार ने कृषि कानून को रद्द करने की किसानों की मांग खारिज की, कमेटी बनाने का दिया प्रस्ताव। जी हां, केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानून को लेकर दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान संगठनों के नेताओं और 3 केंद्रीय मंत्रियों के बीच बैठक बुधवार दोपहर से जारी रही। इस बैठक में सरकार ने किसानों की कृषि कानून को रद्द करने की मांग को ठुकरा दिया। हालांकि सरकार ने कृषि कानून के लिए एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया है। मालूम हो कि दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर बड़ी संख्या में किसान पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की मांग 3 कृषि कानून को रद्द करने के लिए MSP पर कानून बनाने की है। बैठक में मौजूद एक वरिष्ठ किसान प्रतिनिधि ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश ने न्यूनतम कीमतों की गारंटी पर एक कानून की संभावना पर चर्चा की है। मंत्रियों ने पहले राउंड की बैठक के दोपहर बाद विज्ञान भवन में किसानों के साथ लंच किया। आज पहले राउंड की बैठक में किसानों ने एक बार फिर से 3 मंत्रियों के सामने कृषि कानून को रद्द करने की मांग दोहराई। इसके साथ ही किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर एक कानून बनाने की भी मांग रखी है। पटना में भी देख सकेंगे देसी विदेशी परिंदों को। सचिवालय तालाब के वर्ल्ड सेंचुरी में 4 जनवरी से ले सकेंगे पक्षियों का कर्लवों का आनंद। जी हां, पटना के सचिवालय स्थित तालाब में वर्ल्ड सेंचुरी बनकर तैयार है। इसमें देश विदेश के पक्षियों का आना शुरू हो गया है। पक्षियों के मधुर कर्लव से यहां का वातावरण गूंज रहा है। पानी में अटकोलियां करते हुए रंग बिरंगी पक्षी मन मोह रहे हैं। पक्षियों को देखना काफी सुकूनदायक है। 7 एकड़ में फैले इस बर्ड सेंचुरी को राजधानी जलाशय का नाम दिया गया है। यह 4 जनवरी से आम लोगों के लिए खुल जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को इस तालाब का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह खासकर स्कूली बच्चों के लिए है। यहां आकर उनका ज्ञान बढ़ेगा, पर्यावरण के बारे में जान सकेंगे। 4 जनवरी से स्कूल खुल रहे हैं। 20-20 के ग्रुप में स्कूली बच्चों को यहां लाया जाएगा। CM ने कहा कि नई पीढ़ी को प्रकृति के बारे में एहसास होना चाहिए। कोरोना वैक्सीन को रखने वाले 38 रेफ्रिजरेटर आई पटना, 2 से 8 डिग्री के बीच रहेगा तापमान। जी हां, कोरोना वैक्सीन को रखने वाले रेफ्रिजरेटर पटना आ गई है। यहां बाहर से 38 फ्रिज लाई गई है। इस मशीन को गोदरेज कंपनी ने बनाई है। इसका नाम आइसलैंड रेफ्रिजरेटर रखा गया है। इसमें कोरोना वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर के बीच रखी जाएगी। वहीं इसका डीप फ्रिज -15 से लेकर -25 डिग्री तक का तापमान जनरेटर करने की क्षमता है। इसका इस्तेमाल कम तापमान में रखने वाली वैक्सीन के लिए किया जाएगा। अब तक 25 स्मॉल और 13 लार्ज ILR आ चुके हैं। 30 और रेफ्रिजरेटर अगले हफ्ते आने की उम्मीदें हैं। और अंत की बड़ी खबर, 1 से 10 जनवरी तक धान खरीद का चलेगा विशेष अभियान। DM ने कहा 48 घंटे में किसानों को मिलेगी राशि। जी हां, नए साल में किसानों से अभियान चलाकर धान की खरीदारी की जाएगी। इसके लिए 1 से 10 जनवरी का समय निर्धारित किया गया है। इसमें निर्धारित तिथि को किसानों से संबंधित पैक्स व व्यापार मंडल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचकर रसीद प्राप्त करेंगे। किसानों द्वारा बेचे जाने वाले धान की राशि 48 घंटे के अंदर बैंक खाता में जाएगी। इसके बाद भी निर्धारित तिथि का सामान्य तरीके से धान की अधिप्राप्ति जारी रहेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक के दौरान DM कुमार रवि ने संबंधित सभी प्रखंड और पंचायत में अभियान चलाकर धान की खरीदारी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जिले में 1,80,000 टन धान खरीद करने का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 32 बार किसानों से 24,398 टन धान की खरीदारी की गई है। इसमें पालीगंज, धनरुआ, बिहाटा, विक्रम,
निगम और नौबतपुर ने सराहनीय कार्य किया है। आज के लिए आपका सवाल, बताएं कि बिहार में गांधी सेतु किस जिले में स्थित है। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।